everyone, welcome to Gate Academy. In this video, we'll be discussing how to calculate the seepage discharge using FlowNet. If you see my last lecture, in the last lecture we have seen the properties of FlowNet. Or we have seen how to calculate the number of equipotential lines, how to calculate the number of flow lines, how to calculate the equipotential drops, how to calculate the number of flow channels. So these things already we have seen in the last class. Today we can see how to calculate the seepage discharge which is occurring through the soil below the base of the dam from upstream to downstream. Yeh hume is video mein calculate karna hai. To dekhte hain kis tarike se hume calculate karna hai. Maine already apne last video mein discuss kiya tha ki suppose if I have one dam which is your gravity dam, in this case suppose we have one value of upstream, one head we have, and here we have downstream head some value. So upstream we have, downstream we have. Yahan par maine kya kiya ki suppose water aapka flow ho raha hai upstream se downstream ki taraf in such a fashion, to maine number of फ्लो लाइन्स ड्रॉ किया, मीन्स फ्लोनेट में ड्रॉ कर रहा हूँ. सो कुछ इस फैशन में मैंने क्या किया, नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स ड्रॉ किए. यहाँ कहीं पे आपका हार्ड सरफेस होगा. सो सपोज ये एक रॉक लेवल इस जगह से क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है. अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ये तो फ्लो लाइन्स हो गई मेरे पास, ये मैंने बना दिया इक्विपोटेंशियल लाइंस. सो फ्लो लाइन्स भी है, इक्विपोटेंशियल लाइन्स भी है, तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, एक फ्लोनेट बन चुका है. इस फिगर में यदि मैं समझने की कोशिश करूं, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने जैसे बताया था, इस वीडियो में भी मैं रिपीट करता हूं, यदि यहां पर मुझे नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स कैलकुलेट करना है तो कितने हो जाएगी फ्लो चैनल से. यदि पहले मैं बात करूँ, सो एन एफ जिसे हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ फ्लो चैनल से, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स माइनस वन, एंड मैं डिनोट करता हूँ एन डी एज अ नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन्स, इक्विपोटेंशियल लाइन्स माइनस वन से. सो ये दो चीज़ें मेरे पास है, यहाँ पर ये मुझे निकालना है. तो आप पहले यदि फ्लो लाइन निकाल लेंगे तो उसमें से माइनस वन करेंगे आपको फ्लो चैनल्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस निकाल लेंगे उसमें माइनस वन करेंगे आपको इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स मिल जाएंगे. तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, देखते हैं कि इस फिगर में कितने नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस अवेलेबल है. तो इक्विपोटेंशियल लाइंस मीनिंग क्या होता है, हमने बताया था इक्विपोटेंशियल लाइन इज द लाइन विच कनेक्ट द पॉइंट्स ऑफ इक्वल हेड्स. तो यदि मैं मान रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा. सपोज यहाँ पर मेरे पास 10 मीटर का हेड है, यहाँ पर सपोज मेरे पास 2 मीटर का हेड है. यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस कितने हैं. देखिए इक्विपोटेंशियल लाइंस में हर एक लाइन पे क्या होना चाहिए, हेड सेम होना चाहिए. आपकी एक लाइन तो ये हो गई, इसके हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर, इसके हर एक लाइन पे, इसके हर एक पॉइंट पर, चाहे ये पॉइंट लू, ये पॉइंट लू, ये पॉइंट लू, या ये पॉइंट, हर एक पॉइंट पर क्या है, हेड सेम है, विच इज इक्वल टू 10 मीटर. फिर एक इक्विपोटेंशियल लाइन ये मिल गई, टोटल कितनी हो गई, एक दो, ये हो गई आपकी तीन, ये हो गई चार, और यहाँ पर भी ये आपकी कितनी हो जाएगी, हर एक पॉइंट पे आपका हेड क्या है, 2 मीटर है. मतलब टोटल कितनी हो गई इक्विपोटेंशियल लाइंस, 5. तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स के बारे में मैं लिख दूँ, कितना बन रहा है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप. इक्विपोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर मेरे पास बनता है, इट इज़ इक्वल टू 5 - 1 इक्वल टू 4. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बात करता हूँ मैं फ्लो लाइन्स की. नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स कितनी दिख रही है मुझे, देखते हैं. एक तो ये जो बेस है इसको टच करते हुए निकल रही है एक, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, और पांचवी ये रही. मींस आपका ये हार्ड सरफेस को भी टच करते हुए वाटर फ्लो होगा. सो दिस इज ऑल्सो वन फ्लो लाइन. तो इसमें फ्लो चैनल्स क्या क्या होंगे, एक जो वाटर है वो इसमें फ्लो हो जाएगा. एक पाथ वाटर को क्या मिल चुका है, ये वाला मिल चुका है, एक पाथ ये वाला मिल गया वाटर को, दूसरा पाथ चैनल, पाथ मीन्स चैनल जो मिला है ये मिला, तीसरा ये मिला, और चौथा यहाँ से इधर जा रहा है.
सो टोटल नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, एक दो तीन चार, मीन्स इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स माइनस वन. तो यहाँ पर मुझे मिलता है 5 - 1 = 4. तो इस फैशन में मेरे पास नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स पता है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स पता है. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, कितने स्टेप में लॉस हुआ, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल ड्रॉप. तो यहाँ पर देखिए कितने इक्विपोटेंशियल ड्रॉप दिख रहे हैं, चार. कैसे, कि यहाँ पर 10 मीटर हेड है, यहाँ पर 2 मीटर हेड है. लॉस किस तरीके से हो रहा है, कि यहाँ पर कुछ लॉस हुआ, ये लाइन बनी. यहाँ पर एक चीज यदि समझने की करूँ, यदि मैं इस लाइन को दे दूँ phi1 लाइन, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन को मैं phi लाइन भी बोलता हूँ, इसको मैं दे दूँ phi2 लाइन, ये हो गई मेरी सपोज phi3 लाइन, ये है मेरी सपोज phi4 लाइन, और यह है सपोज मेरी phi5 लाइन. अब मैं बात करता हूँ इन लाइन्स पर. अच्छा, ये तो मैं जानता हूँ कि हर एक पॉइंट पर, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे सेम हेड अवेलेबल है, इस पॉइंट, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे सेम हेड अवेलेबल है, लेकिन इस पे जो हेड्स अवेलेबल है दैट विल बी डिफरेंट इस पे जो हेड अवेलेबल है उससे. तो देखते हैं सबसे ज़्यादा हेड अवेलेबल कौन सी वाली लाइन पे होगा. सबसे ज़्यादा हेड अवेलेबल होगा phi1 लाइन पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हेड अवेलेबल है. सबसे कम किस पे अवेलेबल होगा, phi5 लाइन पर, क्योंकि इस पे सबसे कम हेड अवेलेबल है 2 मीटर. इंटरमीडिएट वैल्यूज जो होगी वो इन लाइन्स पर होगी. तो क्या हम बता सकते हैं कि F2 लाइन पर कितना हेड अवेलेबल होगा. देखो ड्रॉप कितने हो रहे हैं, एक ड्रॉप इन इन इस लाइन और इस लाइन के बीच में हुआ, दूसरा ड्रॉप ये और ये वाली लाइन के बीच में हुआ, तीसरा ड्रॉप ये और ये वाली लाइन के बीच में हुआ, और लास्ट जो ड्रॉप हुआ ये वाली और ये वाली लाइन के बीच में हुआ. सो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स आई हैव 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ ड्रॉप्स वी हैव. टोटल लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ टोटल लॉस की, टोटल लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 10 - 2 8 मीटर का. 10 अपस्ट्रीम हेड, 2 मीटर डाउनस्ट्रीम हेड, लॉस हो रहा है 8 मीटर का. कितने स्टेप्स में हो रहा है, 4 स्टेप्स में हो रहा है. तो जो मेरे पास नंबर ऑफ ड्रॉप्स है वो मैंने निकाल रखा है, जो कि 4 है. नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपके 4 आए हैं. तो यहाँ पर क्या मैं लिख दूँ कि हर एक ड्रॉप में जो लॉस हो रहा है कितना हो रहा होगा, ऑफकोर्स 2 मीटर का. कैसे निकाला मैंने, मैंने लिखा यहाँ पर हेड लॉस पर ड्रॉप कितना आ रहा है, स्मॉल डेल्टा एच लिख दूँ, और दैट इज इक्वल टू कैपिटल डेल्टा एच डिवाइड बाय एनडी. कैपिटल डेल्टा एच मेरे पास था 8 मीटर, स्मॉल एनडी था 4, सो मेरे पास मिलता है यहाँ पर 2 मीटर. देखते हैं यहाँ पर phi1, यहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी थी हेड, 10 मीटर. phi1 पर जो हेड था 10 मीटर, 2 मीटर का लॉस हुआ. मैंने 2 मीटर भी निकालना आपको कैलकुलेट करना सिखाया है. 2 मीटर का लॉस हुआ, इतनी डिस्टेंस जब कवर करी तो ये वाली लाइन्स पर अब कितना हेड अवेलेबल होगा, 8 मीटर का. फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, फिर 2 मीटर का लॉस हुआ, यहाँ पर कितना अवेलेबल होगा हेड, 6 मीटर का. हर एक पॉइंट पर, यहाँ 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 यहाँ, इस लाइन के हर एक पॉइंट पर, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ इक्विपोटेंशियल लाइन. और 2 मीटर का लॉस हुआ, यहाँ पर कितना हेड अवेलेबल होगा, 4 मीटर का. और फिर 2 मीटर का लॉस हुआ, कितना हेड अवेलेबल होगा, 2 मीटर का. ये रहा 2 मीटर, ठीक है. सो इन दिस फैशन आपको हर जगह पर लॉस मिलेगा, और हर एक लाइन पे आप क्या निकल सकते हैं, कितना हेड अवेलेबल है वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, तो मैंने ये कैलकुलेट करके बता दिया कि कितना हेड आपको मिलने वाला है हर एक लाइन पे. अब मुझे करना क्या है, व्हाट इज माय एम इन दिस वीडियो, आई वांट टू कैलकुलेट दिस टोटल सीपेज डिस्चार्ज व्हिच इज ऑकरिंग फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड, दिस आई वांट टू कैलकुलेट. देखते हैं कैसे निकालते हैं. मैं जानता हूँ डार्सिस लॉ, क्यू इज इक्वल टू होता है के आई ए, ये डार्सी का लॉ मुझे पता है, इट वॉज गिवन बाय डार्सी. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो नेट, वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइन एंड टू फ्लो लाइन इज कॉल्ड फ्लो फील्ड. ये जो फ्लो फील्ड है दिस विल बी स्क्वायर फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल, दिस विल बी रेक्टेंगुलर फॉर एन आइसोट्रॉपिक सॉइल. यहाँ पर जो केस स्टडी करने वाला हूँ that is for isotropic soil. Let me assume the soil is isotropic. We'll discuss for anisotropic also in the next video. Here, यहाँ पर मैं discuss करना चाहता हूँ isotropic soil के बारे में. तो यदि मेरे पास यदि isotropic soil है, ये मेरा एक flow field है, जो कि अभी figure से तो आपको rectangular दिख रहा होगा, assume it is square. So, यदि मैं इसका एक dimension मान लूँ, suppose इसका ये जो dimension है, वो है b.
तो ये भी कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये भी रहेगा आपका बी, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूँ, आपको आइसोट्रॉपिक सॉइल ले रहा हूँ, आइसोट्रॉपिक सॉइल के केस में फ्लो फील्ड कैसा होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अभी मैं जो डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो क्या है, टोटल डिस्चार्ज है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम तरफ कितना जा रहा है। अभी मुझे जो कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज, वो थ्रू वन चैनल में कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, एक बात और समझने की कोशिश करते हैं, यदि मैं इतना सा सॉइल मास लूँ और यहाँ से एक कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भेजूँ, यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर से स्मॉल क्यू फ्लो हो रहा है इस स्ट्रिप से या इस फ्लो फील्ड से, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस फ्लो फील्ड से भी सेम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज क्यू फ्लो होगा, इस स्ट्रिप से भी सेम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज क्यू फ्लो होगा, क्योंकि सभी स्ट्रिप्स क्या है, सभी फ्लो फील्ड क्या है, एक दूसरे के नॉर्मल है। सो हियर वी हैव द फ्लो नॉर्मल टू द नंबर ऑफ फ्लो फील्ड्स। सो हर एक लेयर में से हर एक फ्लो फील्ड में से सेम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज विल फ्लो। तो मैं यहां पर एक फ्लो फील्ड की बात कर रहा हूं, फ्रॉम वन फ्लो फील्ड यदि मेरे पास डिस्चार्ज स्मॉल क्यू फ्लो हो रहा है, यही फॉर्मूला मैं लगाता हूं के इंटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ हेड लॉस थ्रू वन फ्लो फील्ड डिवाइड बाय फ्लो पाथ ऑफ वन फ्लो फील्ड। सो आप देखेंगे, अच्छा ये वाले की मैं बात करता हूं टोटल, तो टोटल फ्लो फील्ड लेता और टोटल फ्लो पाथ लेता, लेकिन मैं एक फ्लो फील्ड की बात कर रहा हूं, इसलिए एक फ्लो फील्ड से कितना लॉस हो रहा है, वो लॉस हो रहा है मेरा स्मॉल डेल्टा एच। वो फ्लो फील्ड की लेंथ कितनी है फ्लो पाथ, वो है मेरी बी। तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको निकाल के बताया हेड लॉस पर ड्रॉप। पर ड्रॉप मतलब क्या, ये रहा है पर ड्रॉप, और फ्लो पाथ मतलब कितनी डिस्टेंस है एक फ्लो फील्ड कवर कर रहा है, इक्वल टू बी, वही इसका डायमेंशन है। तो मैंने क्या किया, के का वैल्यू पता लग गया, आई का वैल्यू पता लग चुका है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं फ्लो फील्ड का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बनता है। ये जो फ्लो फील्ड है, वाटर यहाँ से ये फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये रहा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ 1 मीटर यूनिट लेंथ समझ लेते हैं हम, और ये जो है हाइट तो मुझे पता है फ्लो फील्ड की, सो फॉर यूनिट लेंथ मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया बी इंटू 1। ये बन चुका है मेरे पास फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पर Q इक्वल टू के इंटू डेल्टा H डिवाइड बाय बी। अच्छा डेल्टा H, ये जो डेल्टा H है इसका फॉर्मूला क्या लिखूँ, यदि मैं टोटल हेड लॉस के टर्म में लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो हेड लॉस पर ड्रॉप का फॉर्मूला बनता है टोटल हेड लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स। सो ये जो वैल्यू है स्मॉल डेल्टा H की, उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कैपिटल डेल्टा H इंटू एन डी। ये मैंने लिख दिया स्मॉल डेल्टा H का वैल्यू, साथ में B था इसके, तो B का मल्टीप्लाई करते हुए लिख दिया, और यहाँ पर वैल्यू बन चुका है B इंटू 1। ये फॉर्मूला रेडी है, अब बस आप ये B से B कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर मुझे मिल चुका है डिस्चार्ज K इंटू डेल्टा H डिवाइड बाय एन डी का। समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अभी जो मैंने डिस्चार्ज कैलकुलेट किया स्मॉल q, दैट इज द डिस्चार्ज थ्रू वन चैनल, मैंने केवल एक चैनल का बात किया, और एक चैनल में नंबर ऑफ फ्लो फील्ड हो सकती है, हर एक फ्लो फील्ड से सेम डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, मीन्स मैंने पूरे चैनल में कितना डिस्चार्ज फ्लो होने वाला है वो कैलकुलेट कर लिया है। मेरे पास यदि 100 फ्लो चैनल्स है, तो इस वैल्यू में 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ, आपको वैल्यू मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा कि कितना डिस्चार्ज फ्लो रहा है। मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितनी है, मैं डिनोट करता हूँ एन एफ से। तो यहाँ पर ये जो मैंने निकाला है, दिस इज द डिस्चार्ज पर चैनल। सो ये जो मैंने अभी वैल्यू निकाली है, दैट इज द डिस्चार्ज पर चैनल। अब देखते हैं डिस्चार्ज पर चैनल मुझे पता लग चुका है, यदि मैं टोटल डिस्चार्ज निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, इस वैल्यू में नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स का क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। सो टोटल डिस्चार्ज क्या बनना चाहिए, टोटल डिस्चार्ज कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, के डेल्टा एच इंटू एन एफ बाय एन डी। एन एफ का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला रेडी है, इस फॉर्मूला का आप यूज़ करिए, और किसी भी डैम के नीचे कितना सीपेज ऑकर
हो सकता है आप स्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट, यदि आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, सो ऑल द वैल्यू शैल बी कैप्ट इन मीटर क्यूब. मीटर क्यूब पर डे, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर मिनट, एनीथिंग यू कैन कीप, बट दिस डायमेंशन मीटर इट शुड बी देयर इन मीटर ओनली. यू शुड नॉट पुट इन सेंटीमीटर और एमएम. व्हाई? बिकॉज आप यदि यहाँ पर देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने यूनिट लेंथ लिया था मीटर के अंदर, एक मीटर, जो कि मैं आगे जाके इग्नोर कर रहा हूँ, राइट? अभी इस फॉर्मूले में यदि आप के का वैल्यू सपोज एमएम पर सेकंड में रखते हैं या सेंटीमीटर पर सेकंड में रखते हैं, तो आपको जो डिस्चार्ज का वैल्यू मिलने वाला है दैट विल बी रॉन्ग. इस इक्वेशन को यूज करना है यदि, सो ऑल द वैल्यू शैल बी केप्ट इन मीटर, मीटर पर सेकंड में रखिए इसको, या मीटर पर डे में रख दीजिए. टाइम से रिलेटेड कोई भी यूनिट आप रख सकते हैं. डेल्टा एच मीटर में रख सकते हैं, ये तो यूनिटलेस है, नंबर्स हैं ये तो. सो इस फैशन में आप क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं. किसमें? गिवन डैम के नीचे जो सीपेज ऑकर होने वाला है आप स्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ, दैट वी कैन कैलकुलेट इन दिस वीडियो. फाइन. सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस लेक्चर. थैंक यू.